एवरीवन, वेलकम टू जमाल्स किचन। आज हम अपने किचन में मटन कोरमा बनाएंगे, दानेदार मटन कोरमा। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में लिया है, यहाँ कम से कम 500 ग्राम ऑयल लिया है और 5 से 6 प्याज इसको पतला लच्छे में काट लेंगे और इसको हाथ से इस तरीके से मसल लेंगे, देखिए, जिससे बहुत अच्छी कुरकुरी फ्राई होगी हमारी ऑनियन। तेल जैसे ही गर्म होगा उसमें सारी प्याज, ये समझ लीजिए हम 2 किलो मटन का कोरमा बना रहे हैं। 2 किलो मटन में आपको कम से कम 7 से 8 प्याज मीडियम साइज की पतला पतला काट के इसको फ्राई करके तेल में निकाल लेंगे। इसको देखिए, प्याज हमारी गुलाबी होना शुरू हो गई है, जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन होगी इसको ज़्यादा एकदम डार्क नहीं करना है, नहीं तो कोरमा काला हो जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। बस इस तरीके से ये गोल्डन हो तो हमने इसको तेल में से निकाल देना है और इसको एक टिशू पे अच्छे से फैला देंगे, जिससे ये कुरकुरी अच्छी सी प्याज हो जाए। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमें क्या करना है, जो हम देखिए, ये मैंने 2 किलो फ्रेश मटन लिया है, ये इस तरीके का, जिस तरीके का आपको मटन पसंद हो आप ले सकते हैं। ये हम 2 किलो लिया है, उसमें से मैंने कढ़ाई में से थोड़ा सा तेल कम कर दिया है, उस तेल को आधा करेंगे। इसमें डालेंगे 4 से 5 छोटी इलायची। अब डाल देंगे इसमें जो हमारा मटन है वो डाल देंगे। इसको सारे मसालों को हमने ना भूनना है ना कुछ करना है, सब एक साथ मिला के चढ़ा देंगे और इतना अच्छा कोरमा बनेगा कि मैं बता नहीं सकती। सारा मटन इस तेल में डाल देंगे। अब डालेंगे 2 चम्मच अदरक का पेस्ट, 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट, ये क्वांटिटी ध्यान रखिएगा आप, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, अभी हमने गैस को ऑन नहीं किया है, नमक 1 से 1.5 चम्मच आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 से 2.5 चम्मच धनिया पाउडर डालिए, इससे बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है। गैस ऑन कर दी है मैंने। 1 से 1.5 चम्मच नॉर्मल वाली लाल मिर्चें, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चें और 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, ये तीनों आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, चिली फ्लेक्स से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और कश्मीरी लाल मिर्च से बहुत अच्छा कलर आएगा इसमें। ये सारे मसाले हमने, देखिए चिली फ्लेक्स भी डाल दिया, सारे मसाले हमने डाल दिए। अब डालेंगे इसमें 400 ग्राम दही, दही को फेंटना नहीं है, ऐसे ही गाढ़ा गाढ़ा दही डाल देना है, जिससे कि ये दानेदार कोरमा बनके तैयार हो सके। अब इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरीके से, देखिए आप ये देख रहे हैं, मैंने मसाला नहीं भूना है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ प्याज को तल के निकाला है और उसी तेल में मैंने सारे मटन को और मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब गैस ऑन करके इसको चढ़ा देंगे, जैसे ही इसमें उबाल आना शुरू होगा गैस को हमने मीडियम कर दे, एकदम कम भी नहीं करना है, एकदम हाई भी नहीं रखनी है, मीडियम। अब आपको ये देखना है कि आपका मटन किस हिसाब का है, देर में गलेगा या कम, तो समझ लीजिए ये 40 से 45 मिनट में ये मटन बिल्कुल अच्छे से गल जाएगा। अब इसको ढक देंगे, आंच हमारी मीडियम है, 10 से 15 मिनट के बाद इसको खोल के देखेंगे। देखिए दही ने भी पानी छोड़ना शुरू कर दिया, कितना इसमें अच्छा खासा पानी आ गया है इसमें, इसी में हमारा मटन गल जाएगा। अगर फिर भी आपको कुछ लगे चिपके तो आप उसमें 1 गिलास पानी डाल सकते हैं। अभी ढक देंगे। अब इसके लिए कोरमा मसाला तैयार करते हैं, ये लिए 10 से 12 छोटी इलायची, 10 से 12 लौंगे, 1 चम्मच काले मिर्चें, जावित्री और 1/2 जायफल, इन सबको, जीरा नहीं लेना है इसमें ध्यान रखिएगा, इन सबको मिक्सी में थोड़ा सा दरदरा पीस लेना, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसाले में से। अब इसी मिक्सी में हमने क्या करना है, जो हमारी फ्राइड ऑनियन रखी है उसको भी थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे इसमें। अगर आपकी फ्राइड ऑनियन ऐसे ही हाथ से मसल के आप डालना चाहें तो वैसे भी डाल दीजिए, लेकिन थोड़ा सा इससे करेंगे तो ग्रेवी बहुत अच्छी थिक बनेगी। अब देखते हैं मटन खोल के, देखिए 1/2 घंटा हो चुका है, मटन को गलना शुरू हो गया है, बहुत अच्छी तरी भी आई है इसमें, देखिए गोश्त अच्छा गल गया है, मटन बहुत अच्छे से गल गया है। थोड़ा सा इसमें और ग्रेवी आने देते हैं, कलर आने देते हैं, जब तक इसमें हम मसाला मिलाएंगे, जो हमने प्याज का पेस्ट पीसा था वो डाल देंगे इसमें। ये देखिए इस तरीके का गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बनाना है, इससे बहुत अच्छा दानेदार ग्रेवी बनेगी कोरमे की, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं बता नहीं सकती। आप देखिए मैंने कुछ ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं, लेकिन इतना अच्छा ये शादियों में बनने वाला कोरमा आप घर में बनाइए, सबको ये डिश बहुत अच्छी लगेगी। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। अब जो हमने गरम मसाला कोरमा मसाला पीसा था 2 चम्मच भर के, वो डाल देंगे। ये हमने लास्ट स्टेज में डालना है प्याज और ये मसाला, जब 5 से 6 मिनट रह जाए मसाला, कोरमा हमारा बिल्कुल तैयार है। इसको ढकते हैं 5 मिनट के लिए, इसमें ऊपर तरी आने देते हैं। अब एक काम लास्ट में करेंगे, हमने 2 चम्मच गाढ़ा गाढ़ा दही ऊपर से डालना है, जिससे कि ना कोरमे में दानेदार आ सके,
बहुत अच्छा दानेदार कोरमा बनेगा। अब देखिए कोरमा हमारा तैयार है, आइए इसको सर्व करते हैं। देखने में कितना अच्छा लग रहा है, अब इसको नान से, पराठे से, चावल से, किसी से भी खाइए। मेरा कोरमा पसंद आए तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिए और मुझे लिख के ज़रूर बताइए आपको ये मटन कोरमे की रेसिपी। बहुत इजी रेसिपी है, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिए, बहुत अच्छा बनेगा। इंशाल्लाह आगे नई रेसिपी लेके आऊँगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।